नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। बात होनी थी सदियों से उत्पीड़ित समाज के बराबरी की, बात होनी थी इंसाफ की, बात होनी थी सम्मानजनक रोजगार की, बात होनी थी और काम भी होना था कि मैला ढोने की प्रथा किस तरह बंद हो, सीवर में मौतें किस तरह बंद हो। लेकिन इसकी बजाय हमारे प्रधानमंत्री जी पांव धोने लगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को प्रयागराज कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव धोए। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापक संयोजक बेजवाड़ा विल्सन जी। बेजवाड़ा विल्सन जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल यही कि ये सब जो कुछ हुआ है, जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस सब को आप किस तरह देखते हैं? सर, एक हम ये सारे अभी स्थिति है, सफाई कर्मचारी का हाल बहुत ख़राब है। वो समय पे एक प्रधानमंत्री एक संवेदनशील कुछ काम करे तो थोड़ा ठीक लगते हैं। अब आप आके हमारा पाँव धोना, ये करना, ये सारे एक मजाक जैसा लगते हैं, अपमान जैसा भी लगते हैं। अपमान लगता है पाँव धोना? हाँ, ये पूरा जो प्रोसेस है, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, एक पूरी उसका प्रतीक है ये। हम नवरात्र में महिलाओं के भी पाँव धोते हैं, बच्चे लड़कियों के पाँव धोते हैं, और फिर हम ही लोग उनकी हत्याएं भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं। तो ये बड़ा हिपोक्रेसी, जो पाखंड सा है ये, तो ये एक अपमानजनक काम है। और आप भी देख रहे होंगे कि इलाहाबाद में ही, प्रयागराज कुंभ में ही, वहाँ के सफाईकर्मी बहुत समय से अपने उचित मेहनताना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए कोई खड़ा होता है, कवि अंशु मालवीय खड़े हुए तो उन्हें हिरासत में लिया गया। जब मेहनताना भी नहीं मिल रहा है, सीवर में मौत, आप एक कहते हैं कि राजनीतिक हत्याएँ हैं, वो बंद नहीं हो रही है, मैला ढोने की प्रथा बंद नहीं हो रही है, तो फिर वास्तव में सरकार ने कुछ किया है इसके लिए या नहीं? नो, मैं हमेशा ये की बोलते हैं, प्रधानमंत्री आपने बनाया कैसे, एक राजनीतिक रूप से बनाया। सो ये देश का कई सवाल मुद्दा होते हैं, इसका हमारा का सॉल्यूशन भी राजनीतिक रूप से ही चाहिए। आपका मर्जी से कुछ करना चाहिए तो इसका मैं एक्सेप्ट करना, मैं सहमत नहीं कर सकती, क्यों है तो ये आज़ादी भारत है, ये लोकतंत्र का भारत है, इधर एक संविधान है, संविधान रूप से ये देश चलाना, वो छोड़ के आपका खुद मन पे कुछ है आपके घर पे रखो, ये तो सेक्युलर कंट्री है, हम ऐसे कहते हैं। दूसरा बात है, हम मरने वाला का उनका जान कैसे बचाना सोचो, ये अच्छा होते हैं, और मरने वाला का साथी आके उनका प्रशंसा करके, उनका पूजा करके जल्दी चले जाओ बोले तो क्या अच्छा होते हैं, ये हम लोग समझना, सिंपल बात है। तो एक राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान होना चाहिए, ना कि ये प्रतीकात्मक चीज़ें। ये कोई सकारात्मक है तो हम लोग इसका भी वेलकम कर सकते हैं, स्वागत करना पड़ता है, बट ये कैसे होते हैं, वो मतलब क्या है, वो उनका पाँव साफ ठीक नहीं कर रहा है, मैं करेंगे, यही संदेश है, नहीं है तो मैं उनका पाँव साफ करे तो मैं कितने 5 साल से कुछ भी नहीं किया, ये सारे द्वेष से, ये सारे गलत से बाहर आने के कोशिश है, क्या संदेश है? हाँ, इससे पहले भी कोशिशें हुई कि दलितों के घर जाके भोजन करना, हाँ। ये सब क्या पूरा एक राजनीतिक स्टंट है, कोई इसके पीछे सद्भावना नहीं देखते आप? एक समरशील भी होना, प्रोग्रेसिव भी होना। सो कोई दलित का घर आप जाने के वजह, दलित का आपका घर आने के भी एक होना चाहिए ना, ये इम्पोर्टेंट है। और एक है, एक दिन सिंबॉलिकली एक दिन का उनका बुलाएंगे, इसका फोटो शो करेंगे, ये बात हम लोग थोड़ा 21st century पे भी करें तो कैसे ये देश का हम लोग एक आगे लेके जा सकते हैं। आपका आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, आपने भीम यात्रा भी निकाली, जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम किए, प्रधानमंत्री से समय भी लिया और उन्हें समय भी दिया, कभी 100 दिन दिया, कभी 1 साल दिया, और अब 4.5 साल उनके ख़त्म होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, और इससे पहले भी आपका आंदोलन लगातार। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मौतों की दर है उसके प्रति कोई उसे रोक कम करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, क्या कुछ है? सरकार का मैं कहना क्या है, 5 साल खत्म होने वाला है जी। अभी तक आप ये समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या है, ऐसे नहीं मान रहा है इसका, अभी नहीं आप ये पाव दोए तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा ये डाइवर्शन है, ये राजनीति पे ये बहुत गलत है, ये तो ये मैं नहीं मान रहा है, ये एक एक्सीडेंट है, ये ऐसा ये 15 मिनट के लिए ऐसे नहीं होते हैं, इस पर एक संदेश है,
लोग का क्या मुद्दा है, उनका सवाल क्या है, इसका जवाब नहीं देते हैं आप, जवाब दूसरा जैसा देते हैं, ये सवाल बनाते हैं, वहाँ आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। सो ये हम लोग इतने दिन से बता रहे हैं, अब शिविर पे मौता हो रहा है, ये हत्या है, राजनीतिक ये खत्म करना, एक बयान दिया कभी? और इतने लोग महिला वो सड़क पर आ गया, उनका खुद मर्द लोग मरने के बाद, इस पर कोई एक दिन आपका दिल से एक बात आया? ये नहीं होते। 1,60,000 महिला आज भी, आज का तारीख, वही राज्य राष्ट्र पे कहाँ आपने मेला सारे चलते हैं, उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा शुष्क शौचालय है, वो सिर पे महिला उठा के जाते हैं, हम क्यों नहीं सोच सकते ये विषय पे? ये छोड़ के आके हम लोग दूसरा जैसे बनाए तो कितने साल हम लोग ये एक नागरिक का बेवकूफ बना। तो आपका कहना ये भी था, जैसे स्वच्छता अभियान ये पूरा चला, तो इससे भी कोई फायदा स्वच्छता कर्मियों को, उनके सिपाहियों को नहीं हुआ? जो शौचालय बनाओ वाली जो बात चल रही है, वो तो टॉयलेट बनाने के एक योजना है। आप टॉयलेट बना रहे, बना वो, मैं कुछ नहीं, पर टॉयलेट कौन साफ करेंगे? टॉयलेट साफ करने वाला है, उनका स्थिति क्या है, क्या है? ये उनका बदलने के कुछ किया था? कुछ नहीं होते हैं। स्वच्छ स्वच्छ मैं कभी कई समय बताया, हम ये महिला प्रथा उन्मूलन ये विषय पे सोच भी नहीं लग रहा है। मतलब मैं सोचते हैं, हमारा दिमाग के अंदर जब तक मल होते हैं, हम मल का सोच बंद हो जाते हैं जी। ये साफ करे तो थोड़ा खुल के हम लोग देख सकते हैं। तो आगे के लिए किस तरह से देख रहे हैं? आपका आंदोलन भी हुआ सफाई कर्मचारियों के लिए, अब ये सब एक सिंबॉलिक काम तो हो ही रहे हैं, पर अब आगे राजनीतिक किस तरह से स्थितियां रहेंगी, आप क्या देख रहे हैं? नो, अब लोग भी उनका डिमांड, उनका गतिविधि क्या है, वो एक स्ट्रेटजी रणनीति बनाएंगे जी। और प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं, सारे राजनीतिक पार्टियां इसका जवाब देना पड़ते हैं। 2019 अभी चुनाव होने वाला है, अभी तक हम लोग ये देश का नागरिक का महिला उठाने के स्थिति पे रख के हम चुनाव का जाना कोई जरूरी है क्या? लोकतंत्र का मतलब हम लोग मजाक बनाया, संविधान का मतलब ये कुछ ये किताब है क्या? संविधान ये देश का सबसे बड़ा है जी। इस पे क्या बताया, अंबेडकर का विचारधारा क्या है वो समझना, सम्मान मतलब क्या है वो समानता का, थोड़ा हम लोग इसका रेस्पेक्ट करना भी हम लोग सीखना। अब जब तक हम लोग सब एक ही है नहीं सोचेंगे, हम इमीडिएट किसी का ये भगवान बनाए नहीं है तो गुलाम बनाएंगे जी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी। वाकई जैसे बेजवाड़ा विल्सन जी ने कहा और इन्होंने ट्वीट भी किया था कि ज़रूरत पाँव के सफाई की नहीं है, जहनों की सफाई की है, ज़रूरत हर इंसान को बराबर मानने की है, और ज़रूरत यह है कि हम सफाई कर्मियों के जो उनकी उचित मांगे हैं उन पर गौर करें। यह दिखावा, वाकई में ये दिखावा बंद होना चाहिए, इससे किसी का सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान होता है। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।